हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद लॉजिक। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेट करते हुए बहुत ही दो बेसिक से क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ था। आज हम उसी सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनको बेसिक तरीके से सॉल्व करने में आपको कुछ टाइम लग सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करें तो आप उन्हीं क्वेश्चन को सेकेंड्स में केवल क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमारे सामने है, बिना टाइम वेस्ट करे हुए क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग देख रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सेट थीटा का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है और ये बताना है हमारा आंसर क्या आएगा, हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप चाहें तो इसको जल्दी सॉल्व करके दे सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और इसको 10 सेकंड के अंदर देखें आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। 10 सेकंड आपको देख रहा हूँ, काफी ज्यादा है ये। फिर देखते हैं हमारा ये बेसिक से आंसर कैसे आएगा, कैसे हम उसको ट्रिक से कर सकते हैं, ट्रिक कैसा सब कुछ कॉन्सेप्ट ही होता है, कैसे हम उसको अपने कॉन्सेप्ट से केवल माइंड अप्लाई करके भी कर सकते हैं। पहले मैं इसको बेसिक से आपको बताता हूं। आप सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हमारे लिए बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सेम चीज यहाँ पे और फिर आगे ये अप्लाई करेंगे तो ये a ये b मान लिया, ये बनेगा हमारे लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉसेक थीटा। इधर आएंगे सेकंड पार्ट पे तो अपने पास क्या बनने वाला है, ये हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यूजुअली आपने भी यही बेसिक पे किया होगा। अब कई लोग इस चीज को देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वैल्यू हमें वन प्रोवाइड करती है, तो इसको अलग से लिखे नहीं, टाइम बर्बाद मत करें, जितना पेन यूज करेंगे उतना ही आपका टाइम एग्जाम में बर्बाद होगा। हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकते हैं वन। आगे देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसके साथ अगर हम इस वैल्यू को देखें माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो ये भी वैल्यू अपने को प्रोवाइड करेगी वन। इधर अपने पास बचा था सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू वन। मैं साथ में लिख नहीं रहा हूं, आप इतना समझ सकते हैं। इस स्टेप को देखिएगा साइन थीटा कॉसेक थीटा कैंसिल, ये वैल्यू होगी हमारे पास टू, और टू कॉस थीटा सेक थीटा ये दोनों वैल्यू कैंसिल तो वैल्यू हमारे पास होगी टू। इसका आंसर हम लोगों ने क्या निकाला, सेवन, राइट। कई लोगों ने ऐसे कर लिया होगा, कुछ लोगों ने एक दो स्टेप और बढ़ाए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को साथ लिखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को साथ लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को साथ लिखा और इनको भी अलग से लिख के उसको कैंसिल आउट किया, अपने वैल्यू निकाल, क्योंकि हम लोग क्या है आदत से मजबूर, अभी तक करते रहे इस तरीके से तो सर कैसे हम उस स्टेप को ना लिखें, हमारी तो आदत है। क्वेश्चन देखा, पेन उठाया, सॉल्व करना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है और हमने सॉल्व किया, खुशी खुशी हमने इसका आंसर निकाला। और आपने इसका आंसर निकालने में काफी जल्दी भी अगर किया होगा तो मिनिमम 10 टू 20 सेकेंड्स तो लग ही गए होंगे, कितना भी तेज किया होगा। अब अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान दे ले तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। इसको रब कर देते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट करना है तो। देखिए ऐसा नहीं है कि बिना एक्सपेंशन जाने क्वेश्चन को कर देंगे, हम उसको लिखेंगे नहीं, मैं समझा दूंगा आपको आगे और क्वेश्चन पे भी, आप उसको अभी अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन एक्सपेंशन तो क्लियर होना चाहिए कि कैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी किस तरीके से बना था। तो ध्यान से समझिएगा हमारे पास टर्म्स क्या क्या आएंगे। देखिए साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इसका स्क्वायर है, कॉस थीटा सेक थीटा का स्क्वायर माइनस दो वैल्यूज होगा। इधर से बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस टू साइन थीटा कॉसेक थीटा। इधर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा और टू cos थीटा sec थीटा माइनस टू वैल्यू वैसे ही पड़ी रहेगी। अब सॉल्व करते समय इसका मुझे बिना लिखे आंसर देना है तो आप इस पूरे फंक्शन के लिए केवल इसके 2ab वाले पार्ट पे फोकस करें, केवल 2ab, 2 sin थीटा cosec थीटा, sin cos कैंसिल, sin cosec कैंसिल, वैल्यू हमारे पास उससे 2 आएगी। केवल अभी मैं 2ab वाले पार्ट की बात कर रहा हूं और कुछ भी नहीं देख रहा हूं, यस और नो। इस पार्ट को देखें 2 cos थीटा sec थीटा वैल्यू इसके 2ab से भी, 2 a और b तो कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा sec थीटा वैल्यू 2 ही आएगी, यस और नो। फिर देखें हमारे पास बचा क्या था, यहां से sin स्क्वायर थीटा यहां से cosec स्क्वायर थीटा,
ये कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से सेक स्क्वायर थीटा, सब कुछ पॉजिटिव, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर देखें, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू वन मिलेगी, एम आई राइट? ये सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू वन मिलेगी, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इससे भी वैल्यू आपको वन मिलेगी। तो सेम आंसर जो आपने एक्सपेंड करके वैल्यूज को साथ लेके फिर आइडेंटिटी लगा के निकाला, उसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, केवल अपना माइंड ही अप्लाई करना है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, आप उसको एक्सपेंशन के थ्रू भी कर सकते हैं और आप डायरेक्टली देख के भी उसका आंसर बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस थीटा होल स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट के अंदर टेन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर होल स्क्वायर। इसको क्या आप डायरेक्टली देख के आंसर दे सकते हैं? एक्सपेंड करके तो निकाल ही लेंगे, मैक्सिमम 2 to 3 seconds आपको चाहिए होंगे, अब तक आंसर आपका आ भी गया होगा अगर आपने सेम प्रोसेस को अप्लाई कर लिया है। थोड़ा सा तो डिफरेंस है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। देखिए क्या करना है, समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, टू बी वाला पार्ट सेम इधर, कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा टू कॉस थीटा सेक थीटा, तीन वैल्यू यहां से, तीन वैल्यू यहां से, और तीन ही वैल्यू यहां से भी बनेगी, टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा टू टेन थीटा कॉट थीटा। अभी मैंने माइनस को ओपन नहीं किया हुआ है। अब देखिए केवल 2ab वाले पार्ट का ध्यान दीजिए, इसके 2ab, 2 sin थीटा cos थीटा से वैल्यू मिलेगी 2, क्लियर हूं मैं, 2 cos थीटा sec थीटा वैल्यू 2, इधर आएंगे तो 2 tan थीटा cot थीटा, वैल्यू तो 2 बनेगी लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये हमारे पास बन के आएगा -2। ओके, बाकी चीजें देखते हैं, दो वैल्यू यहां बची, दो वैल्यू यहां बची और दो वैल्यू यहां पर भी बची हुई है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, हाँ तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का लेकिन ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। आई होप आप लोगों ने इसका भी आंसर निकाल ही लिया होगा, समझ में आई बात। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, तो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप इसको वापस से एक्सपेंड करके देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा, लेकिन हमें फोकस करना है डायरेक्ट आंसर लिखने पे। तो अगला क्वेश्चन वापस से, क्या हम इसे 2-3 seconds में सॉल्व कर सकते हैं? एक्सपेंड करके तो अपन कर ही लेंगे। तो देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं, अभी तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा था, अब क्या बनेगा -2ab, बिकॉज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका 2ab वैल्यू आएगी -2, साइन कॉस कैंसिल, इसका 2ab वैल्यू कितनी -2, इसका 2ab वैल्यू तो -2 लेकिन हो जाएगा प्लस का 2 माइनस की वजह से, ये दोनों खत्म। आगे देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इससे भी वैल्यू 1, ये माइनस का 2 और ये दोनों फिर से कैंसिल, बचता है 1 और 1 होगा इसका आंसर। तो आई थिंक आपने कुछ ऐसी चीज देखी और शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जिससे हमें ये भरोसा होता है कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री आसान है, बस हमारा उसे करने का नजरिया अलग था, हम उसको और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियो से बताऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि आपको आगे भी फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लगातार मिलते ही रहे, और बेल आइकन को बिल्कुल हिट करना मत भूलिएगा, तोड़ डालिए फोड़ डालिए जो भी करें उसके साथ क्लिक हो जाना चाहिए बस, ताकि जब हमारा अगला वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तब तक के लिए जब तक हमारा नया वीडियो आता है हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।